सोनी स्विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर पार्टनर सोनी स्विजन कॉर्पोरेट्स एलएलपी। आज मैं आपको बताऊंगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट वर्सेस फेयर यूज में जो थिन लाइन का डिफरेंस है वो क्या है, क्या चीज है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आती है, फेयर यूज कैसे होता है और कैसे कॉपीराइट का एक्ट हिंदुस्तान में अप्लाई होता है, वर्क करता है, हर चीज डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपने कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट कर दिया, यूट्यूब पर आपको नोटिस आया है, चाहे वो वीडियो का हो, इमेजेस का हो, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। देखिए सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट फेयर डीलिंग्स के लिए, फेयर यूज के लिए हमारे इंडियंस को प्रोटेक्शन देता है। मतलब अगर कोई प्राइवेट रिसर्च के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए किसी भी कंपनी का लोगो, उसका कॉपीराइटेड वर्क यूज कर रहा है तो वहां पे कॉपीराइट का केस नहीं बनता है। अब देखिए लेट्स एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कोई रिव्यू वीडियो बनाई, किसी को क्रिटिसाइज करा और वो एक्चुअली में फैक्ट बेस्ड था, एक लिमिट्स में आपने क्रिटिसाइज करा है। यहाँ पे आप जैसे राहुल गांधी है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वाले यूट्यूबर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट अगर कोई राहुल गांधी जी को अब्यूज़ करेगा हिंदुस्तान के अंदर तो वहाँ पे राहुल गांधी जी केस फाइल कर सकते हैं, बट वो एक लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे केस नहीं बनता है। अब जैसे मोदी जी भी हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वाले यूट्यूबर्स मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट एक क्रिटिसिज्म गुजरात में हुआ था जब राहुल गांधी ने मोदी वर्ड यूज़ करा था तो वहाँ पर डिफामेशन का केस फाइल हो गया। बाकी जगह क्यों नहीं होता, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप कोई बात फैक्ट के बेसिस पे कर रहे हो, रियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हो, भले ही आप क्रिटिसाइज कर रहे हो सामने वाले को, तो भी वो फेयर यूज में आता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, फेक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर केस फाइल क्यों नहीं होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर केस फाइल क्यों नहीं होता? देखिए इनको प्रोटेक्शन मिलता है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000। यहाँ से डिफेंस उठाते हैं। देखिए वो कहते हैं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट लोग शेयर करते हैं, ना तो हम उसको मोनेटाइज कर रहे हैं ना हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम स्यू करने लग गए ना तो इंटरनेट में से सारा ट्रैफिक गायब हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में 70% टाइम लोग सोशल मीडिया के ऊपर समय स्पेंड कर रहे हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग कंटेंट अपना शेयर करते हैं, सोशल मीडिया कंपनी कभी भी लायबल नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर कॉपीराइट होल्डर है तो उसके पास फिर राइट्स क्या है अगर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसके लिए शेयर कर रहा है? देखिए अगर कोई कॉपीराइट का होल्डर है, उसके कंटेंट के लिए, उसकी कंपनी का उसके पास लोगो रजिस्टर्ड है, हर चीज़ रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे देखिए अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके ब्रांड इमेज को डाउन कर रहे हो, रेवेन्यूज को नुकसान कर रहे हो, तब जाके सामने वाला आपको नोटिस देगा और कोर्ट में केस फाइल करेगा और उसका राइट भी बनता है। अगर वहाँ पे एक्चुअली में उसका रेवेन्यू डाउन हो रहा है, उसकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड नहीं है। जैसे रिसेंटली MBA चायवाला के साथ हुआ था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हुआ कि लोगों ने वीडियोस बनाना चालू कर दी तो उन्होंने तुरंत लीगल नोटिसेस भेजा, कोर्ट में केस फाइल कर दिया स्टे के लिए। इनकी एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट हुई कोर्ट के अंदर क्योंकि कोर्ट ने देखा कि हाँ सही में इनके डैमेज हो रहा है, इनकी रेपुटेशन को इनको नुकसान हो रहा है रेवेन्यूज के अंदर, बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, सारा डेटा होना चाहिए। तो कोर्ट एडमिट तो कर लेगा बट डिसीजन देने के टाइम पे कोर्ट हर चीज़ देखेगा। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आज से 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी हॉस्पिटल्स के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स को पॉइंट आउट करा। आप देखिए उस केस में क्या हुआ था, डॉक्टर्स उठ के आ गए, 50 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया, कोर्ट में पूरा मैटर गया, कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना समझा और फाइनली जो डिसीजन था वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के फेवर में आया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि इन्होंने किसी भी स्पेसिफिक हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं करी है, डॉक्टर के बारे में बात नहीं करी है, कौन से स्पेसिफिक हॉस्पिटल को, डॉक्टर को डायरेक्टली इन्होंने डैमेज करा रेवेन्यूज का, उनकी रेपुटेशन को, पूरे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसा होता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हो जहाँ पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है बट किसी के आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो, फोटोज़ यूज़ कर रहे हो, उसमें कुछ भी लिख रहे हो स्कैम वगैरह, तो वहाँ पे वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक कॉपीराइट होल्डर हो और आपका कंटेंट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, मतलब आपका कंटेंट कोई और यूज़ कर रहा है, तो तुरंत आपको लीगल एक्शन लेना है, उसको ईमेल करना है, लीगल नोटिस भेजना है, कम्युनिकेशन का एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैंने सामने वाले को कॉल करा था, ओरली उससे बात करी है, वो कोर्ट में ऐसा एविडेंस काम नहीं आता है। तो आपको हर चीज़ ऑन पेपर विथ एविडेंस, either it on email or
या लीगल नोटिस आप सामने वाले को भेजो। जब तक आपके पास राइटिंग में हर चीज नहीं है, आप एक्शन नहीं ले सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो राइटिंग में होना हर चीज का जरूरी है। अगर आप लोग किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहे हो ना, तो कोर्ट चार चीज देखेगा डिसीजन देने से पहले। नंबर पहला, पर्पस ऑफ यूज, किस पर्पस से आप उसको यूज कर रहे थे। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। तीसरा, अमाउंट ऑफ वर्क यूज्ड। 1000 पन्ने की किताब से हमने 2 लाइन उठा ली, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता, बहुत छोटे से भी छोटा हिस्सा आपने उठाया है। और द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ द वर्क ऑन द ओरिजिनल वर्क, मतलब मैंने डुप्लीकेट वर्क क्रिएट करा या उसको कॉपी करा, आपके ओरिजिनल वर्क जो क्रिएटेड है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, उसको रेवेन्यू उसकी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम का है। जब तक प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, इस चीज का ध्यान रखना। एक केस लॉ भी है फेमस, इंडिया टीवी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस यशराज प्राइवेट लिमिटेड। अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। यशराज जो फिल्म्स है ना, उन्होंने केस फाइल करा, सामने वाला टीवी शो चला रहा था जहां पर सिंगर्स के वो इंटरव्यू ले रहे थे, वहां तक ठीक था। बट जब वो वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो वो बैकग्राउंड में जो यशराज फिल्म्स के शूटेड वीडियोस थे, सॉन्ग्स थे, उनको यूज कर रहे थे बैकग्राउंड में। अब यशराज फिल्म्स ने कहा कि इनका सारा कॉपीराइट हमारे पास है, अब बैकग्राउंड में कैसे यूज कर सकते हो। कोर्ट में फाइनली ये मैटर गया, कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और फाइनली जो जजमेंट था यशराज फिल्म्स के फेवर में आया। क्योंकि देखिए, पहली चीज, यशराज फिल्म्स के पास कॉपीराइट है, सामने वाला बैकग्राउंड में चला रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मोनिटाइज कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग करके, और वहां पर कंटेंट इंफ्रिंजमेंट हो रहा था, क्योंकि यशराज फिल्म्स उस पूरे कंटेंट का कॉपीराइट लेके बैठा था, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स उनके पास पड़े थे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी पर्सन का, कंपनी का कॉपीराइटेड मटेरियल रेफरेंस के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो, अगर आप उसको मोनिटाइज कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो। अब अगर आपको कॉपीराइट का नोटिस आया है, इंफ्रिंजमेंट का आपके ऊपर केस हो गया, तो दो डिफेंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला डिफेंस होता है, क्या उस वर्क का कॉपीराइट किसी को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, आपको किसी का नोटिस आ गया या केस फाइल हो गया आपके ऊपर, अब दो तरीके से आप बच सकते हो। या तो आप प्रूफ कर दो कि ये वर्क कभी भी कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता है, ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कुछ वर्क है जिसको कभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता है, तो आप कोर्ट में बच जाओगे। या फिर सेकेंड डिफेंस आपको ये दिखाना पड़ेगा फेयर डीलिंग का या फेयर यूज़ का, सेक्शन 52 में, मतलब ये जो काम है उन्होंने फेयर यूज में लिया था, मैं कोई न्यूज बना रहा था, वीडियो बना रहा था, तो मैं फेयर यूज कर रहा था, तो ये चीज आपको शो करनी पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या किसी बुक की फोटोकॉपी कराना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आता है या नहीं है। यूके एंड यूएस का बहुत फेमस केस लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई प्रोफेसर, क्लास का प्रोफेसर, किसी भी बुक की फोटोकॉपी करा रहा है, उससे पर्सनल रिसर्च वर्क तैयार कर रहा है, पेपर वर्क तैयार कर रहा है, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कॉपीराइट एक्ट का वायोलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सारा कॉपीराइटेड मटेरियल एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ना कि उसको मोनेटाइज करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ एक पर्सन जो फोटोकॉपी की दुकान चलाता है स्कूल या कॉलेज के सामने, और वो बुक्स को फोटोकॉपी कर करके बेचे जा रहा है, तो वहाँ पे वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आ जाएगा। क्यों? वहाँ पे उसका सोल पर्पस एजुकेशन नहीं है, मोनेटाइज करना है फोटोकॉपी करके। तो ये दो बड़े डिफरेंस होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कॉपीराइट एक्ट में फेयर डीलिंग और फेयर यूज को समझना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के बारे में, फेयर यूज के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मेरे को डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमारी टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, यहां पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है ट्रेडमार्क आईपीआर को लेकर, कमेंट सेक्शन डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स के लिए एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओपन है। कमेंट करिए, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मेरी टीम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करेगी। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना पैनल सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।